नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आईएएस कमिश्नर इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय करनाल की ही जो गौशाला है वहां पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल बता दें कि आज कंबल वितरण करने का जो शुभ कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे में जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सर्दियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं गरीबों में कंबल वितरण करने का जो कार्य है आज यहाँ पर गौशाला में किया जाना है, श्री कृष्ण गौशाला, जहाँ पर लगातार जो है समाज सेवा के कार्य जो है वो होते रहते हैं। और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं जो आईएएस कमिश्नर साकेत कुमार हैं इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल ज़रूर यहां पर पहुंचकर जो है अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और देख सकते हैं कि किस तरीके से आज श्री कृष्ण गौशाला में जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं साकेत कुमार जी, तो और आज जो है यहां पर सबसे पहले गौशाला में गौ को जो है वो चारा खिलाकर जो है इसकी शुरुआत ज़रूर करेंगे। और तो आप देख सकते हैं जो कमिश्नर साहब इस समय तस्वीरों में गौशाला में किस तरीके से यहाँ पर पूजन करने के साथ साथ जो देख सकते हैं सभी गाय को चारा जो है आज खिलाकर, गुड़ खिलाकर जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति हरो पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोत देह। गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ जी, हरि ओम ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पोषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षुः अरिष्टनेमि स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुदाः वृष्णिमातरा शुभं यावानो विदधे सुजग्मया अग्निर्जिह्वामनिवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं गणेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो लोग हैं, साथ ही साथ बता दें करनाल व्यापार मंडल से भी जो प्रधान है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और साथ ही साथ जो साकेत कुमार मुख्य अतिथि हैं इस कंबल वितरण कार्यक्रम के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन कर श्री सुनील गुप्ता जी और आदरणीय हमारे वरिष्ठ प्रधान घनश्याम जी गोयल जी से कि हमारे मुख्य अतिथि का पुष्प फूल देकर स्वागत करेंगे परम आदरणीय हमारे। तो आप देख सकते हैं जो मुख्य अतिथि साकेत कुमार हैं उन्हें यहाँ पर उनको सम्मानित करते हुए, उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आदरणीय अरुण गुप्ता जी और विवेक अग्रवाल जी से तो आप देख सकते हैं मेयर रेणु बाला गुप्ता भी इस समय पहुंचे हैं मौके पर, और उनके स्वागत के लिए जो लोग हैं फिलहाल जरूर खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं साकेत कुमार भी उनका जो है यहाँ पर किस तरीके से उनसे बातचीत करते हुए मैडम जी का स्वागत करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेयर रेणुमाला गुप्ता जो है उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए तस्वीरों में। मॉडल गौशाला के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। सरकार से विशेष रूप से कोई हमें मदद नहीं मिलती, लेकिन करनाल के सभी नागरिकों की सहयोग से और यहाँ आवागमन से ये गौशाला आज अपने आप में आत्मनिर्भर है। 6 क्विंटल के लगभग यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है जिसकी बड़ी डिमांड रहती है, और बड़ा शुद्ध हमारे यहाँ देसी गाय का दूध यहाँ पर मिलता है। सभी के यहाँ जितना हो पाता है उसकी भरपाई हम करते हैं, जो भी हमारे पास डिमांड आती है उसके मुताबिक। हमें 2 मोटरसाइकिल लेकर अपने कर्मचारी रखे हुए हैं जो घर पे दूध की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5-6 किस्म की औषधि जैसे फिनाइल, आंखों की रोशनी के लिए और धूप
धर्म इस्तेमाल के लिए और गौ अमृत जो को मैं डॉक्टर सेठ वाली का वेलकम करता हूँ और मैडम का वेलकम करता हूँ और बहन जी वाली मेरे साथ में वेलकम करता हूँ। करनाल अपना मेरे पास 15 साल से ये कंबल और ये बस्तर और ये भंडारा लगाता है, हर साल लगाता है, 15 साल वो लगाते हैं, बड़े पूरे दिल से अच्छा काम करते हैं। ये करनाल अपना मेरे पास 60 साल से एक स्टेट बॉडी है, जब पंजाब हरियाणा बना था उससे पहले का बना हुआ है ये, और आज संस्था बहुत बड़ी हो चुकी है, विशाल सरोवर बन चुका हमारा, जिसके अंदर 5,000 मेंबर बन चुके हैं हर जिले में। हम सारे जिले में घूमते हैं जाते हैं, कोई समस्या होती है तो प्रशासन हमारे पास साथ देता है। हम प्रशासन का और बड़े व्यापारियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बहुत साथ देते हैं, अपने मिलजुल काम करते हैं, एक टीम बनकर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों श्री कृष्ण गौशाला में जैसा कि आपको दिखाया, करनाल व्यापार मंडल की तरफ से हर साल ही कंबल वितरण का जो कार्य है वो किया जाता है और एक विशाल भंडारा भी किया जाता है जिस जगह पर हम खड़े हैं। ये नेक कार्य इसी जगह पर किया जाता है या अलग अलग स्थानों पर किया जाता है, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं ये कंबल वितरण का कार्य है जो कि बड़ा शुभ कार्य है लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और श्री कृष्ण गौशाला में इसे वितरण करने का कार्य अभी किया जाना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनके लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है और साथ ही साथ उन सभी को ये कंबल वितरण का कार्य भी यहाँ पर किया जाना है। तो और ये शुभ कार्य हर साल किया जाता है करनाल व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें नरेंद्र बांबा जी ने भी पूरी जानकारी आप सभी को दी। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और फिलहाल श्री कृष्ण गौशाला से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कंबल वितरण का कार्य है जो कि हर साल किया जाता है, आज वही शुभ कार्य किया जा रहा है। तो सभी लोग जो लोग जरूरतमंद हैं वो यहां पर पहुंचे और कंबल वितरण के कार्य के साथ साथ भंडारे का आनंद भी जरूर लें। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।